सत्यकाल सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तो अभी खड़ा हूँ सारजा एयरपोर्ट पे। स्टोरी क्या हो गई कि लड़के हो गए थे चार, गाड़ी में बिठा सकते हैं तीन, क्योंकि मैं भी था और मैडम भी थी। तो वो दो लड़कियों को लेकर साथ निकल गई हैं और दो लड़के अपने से आजाद हैं। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी इसको पहचानना होगा। हाँ जी, वीडियो से इंडिया में फाड़ दी थी, धमाका फाड़ दिया था तो चल लेगा बिल्कुल ना। बाइक राइडर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये तेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, वीज़ा मुझे मिल गया है। तो विजय भाई की मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो वीडियो देखने के बाद मैंने इनके साथ कॉन्टेक्ट किया और पेमेंट डालने के बाद विद इन 5 डे में मुझे वीज़ा मिला है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का। पहले भी मैं दुबई में 2 साल काम करके आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे इनका बहुत नाम सुना है। तो पहले सोचा था फिर अगली बार इनके पास अप्लाई करेंगे, तो इस बार मैंने इनके पास अप्लाई किया है। तो फुल ट्रस्टेड कंपनी है, अब अप्लाई कर सकते हो बेफिक्र होके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत विजय भाई आपका, धन्यवाद भाई। कॉल आ गई थी बीच में, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बाइक राइडर का, ठीक है, लाइसेंस भी था तेरे पास, ठीक है। क्या कहना चाहेगा लोगों को, जो लोग कहते हैं होगा नहीं होगा, लोग डरते हैं वीज़ा। हाँ, और ट्रस्टेड कंपनी है। पहले मिले थे हम कभी? नहीं कभी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे बस नाम सुना था आपका। चलो हो गया काम, ये तो बंदा बेचारा बच्चा ही है, ये तो आज तक पहली बार ही मिला, इसके तो बात भी किसी इसके साथ नहीं की थी मेरे से, नहीं, ठीक है। चलो इनके बारे में बाद में बात करते हैं अपना, और चल के बात करते हैं, गर्मी बहुत है भाई आजकल। तो भाई आज गाड़ी में रहेगी जगह कम, तो आज करनी पड़ेगी हमें टैक्सी। कहते ना हर किसी की किस्मत बढ़िया नहीं होती, और हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हर कैंडिडेट को अपनी गाड़ी मिल जाती है, आज हम टैक्सी में जा रहे थे, तुम्हारी किस्मत में अपनी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि लेडीज़ बेचारी कैसे जाती। तो लेडीज़ों को हमने भेज दिया गाड़ी में, और हम मर्द लोग भाई जाते हैं टैक्सी में। तो भाई अभी जर्नी इनके लड़कों की स्टार्ट हो गया दुबई की, और अभी शारजा से लड़कों को किया है रिसीव। तो अपनी गाड़ी हो गई थी फुल, तो क्या सोचा मैंने कि भाई हम टैक्सी से चलते हैं, तो ये शहजाद रिसीव किए हैं, ठीक है। कहाँ से हो तुम मनीष? मैं जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब, फिर भी तो हिंदी बोल रहा है, हिंदी में गुत्थम गुत्था हो रहा है। हिंदी में बोल रहा था, फिर तू तो रिटर्न भी है ना यहाँ से? जी जी, एक्सपर्ट भी है, ठीक है। तू पहली बार आया नहीं? यस, तेरी इंग्लिश, यस, दुबई की आवाज़ लग गई? नहीं, लगनी चाहिए भाई, इंग्लिश जरूरी है, ठीक है, वैसे भी लगी जानी है क्योंकि यह दुबई की हवा ऐसी है कि कितना शरीफ इंसान हो और कैसा भी हो, 15-20 दिन बस यह हवा अपने रंग में रंग लेती है, फिर उसका बदतमीज, और उसका वो कहते हैं ना हरियाणी में, उसका मादर चौथ बंदा कोई नहीं होता यहाँ, ठीक है, क्योंकि उसे हर तरह के बंदे टकरा में, अच्छे तो अच्छे, चोर तो चोर। तो ये अपनी स्टोरी है सारी की सारी। तुम पहले आपस में पहले से जान पहचान ना तुम्हारी? जी पहले, हाँ, एक दूसरे को देखा है मैंने इसको काम करते हुए ऐसे, एक ही एरिया से और? हाँ, एक ही, और फिर भी अलग अलग अप्लाई हुआ है, और मिले एयरपोर्ट पे, वो भी मैं फोटो चेकिंग होने के बाद। एक ही एरिया से और एक ही जगह काम करते थे, फैक्ट्री में करते थे क्या था? नहीं नहीं, दुकान भी सामने करता था, मैं दूसरी साइड करता था। अच्छा, आमना सामना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो रहा था, ठीक है, आमना सामना काम कर रहे थे, वहीं थे, अप्लाई भी एक ही जगह किया, बस पता एयरपोर्ट पे चला है। हाँ जी, तू टिक जाएगा नहीं टिकता लगेगा, टिक जाएगा भाई जी, ये वाला टिकेगा, ये वाला, ये तो एक्सपर्ट है, बाइक राइडर लाइसेंस है इसके पास, ये तो काम करके गया हुआ है। हाँ। इसने तो रोड की धूप भी देखी हुई है, जो बाइक राइडर धूप पे काम कर गया वो तो टिकेगा टिकेगा, इसका इसके बारे में बताओ लड़के के, देख दो बार देखना पड़ा तुझे तो। नहीं, उम्मीद तो है ये भी टिकेगा, थोड़े से काम किया ना इसने, ये टिकेगा। तो भाई टिकेगा, इन्होंने कह दिया है, चलो पॉजिटिव रहियो। देख, अगर तू 15-20 दिन टिक गया तो टिक गया, 24-48 घंटे में पैर उखड़ गए तो उखड़ गए, ठीक है भाई। एक चीज़ मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ अपने व्लॉगिंग में और वीडियोस में, कि सबसे पहले जब पहली बार बाहर आ रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले एक काम किया करो, अपने फ़ोन की सारी गैलरी और सारी फोटो डिलीट कर दो, क्योंकि बंदा जब यहाँ पर अकेला रहता है ना, जो फैमिली से निकल करता है, जो बंदा यहाँ अकेला रहता है ना, तो उसको वो चीज़ें मिस करती हैं, जो फोटो देखता है बाद में दिल उखड़ता है कि भाई नहीं यार चलो वापस, जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ें मैं बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर यूज़ करके तभी मैं बता रहा हूँ, और बहुत सौ के ऊपर कर यूज़ हो चुकी होती हैं, ठीक है। बाहर रहना,
ठीक है, फैमिली से दूर रहना, अपना बना के खाना, ये भाई बहुत मेहनत का काम है। जो रिश्तेदार ये कहते हैं ना कि भाई तू तो मौज ले रहा है, तो मैं उनको यही कहूँगा आज तुम भी ले लो, हम कभी मना नहीं करते। ठीक है, पता तो चले किस तरह मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करके, फिर रात को अपना खाना बना के खुद खा के सो के, फिर मुश्किल से 6-5 घंटे में नींद पूरी करनी होती है 24 में से। तो स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं होता, और ऊपर से फिर दुबई है, तो कहावत भी है दुबई की, दुबई का पैसा टिकी यहीं जाता है, यहीं कमाया यहीं लग जाता है। तो वो इस उसी में बहुत बंदे ऐसे होने चाहिए कि जो बेचारे अपना पेट मार के घर भेज सके। तो चलो आगे की ब्लॉगिंग यहीं तक ही है, फिर नए कैंडिडेट्स के साथ आगे करेंगे बात। दुआ में याद रखेगा और फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, ठीक है। और वैसे तो गलत कमेंट आते नहीं अपने को, बहुत को आते भी हैं, वैसे हम कहते भी नहीं। दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सुबह 8:30 बजे निकला था घर से, और अभी बज गए हैं 9:30 का टाइम। जस्ट पूरे दिन की भाग दौड़ करके पहले शारजा एयरपोर्ट, और फिर दुबई एयरपोर्ट, और फिर दुबई पे से लड़कों का इंटरव्यू, और फिर उन लड़कों के इंटरव्यू के बाद फिर उनको बेड स्पेस, और उसके बाद फिर खाना खाया है, 30 मिनट रुकाऊँ घर, फिर से एयरपोर्ट। कहा था ना धूल उठेगी, तो ऐसी उठेगी कि धमाके दुनिया देखती रह जाएगी, हवा कब तूफान का रंग बदल जाए अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्या कहा, हवा कब तूफान में बदल जाए अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो भाई ये वही हवा है जो अब तूफान बन चुकी है। बस आप सक्सेस स्टोरियाँ, सक्सेस वीडियो लोगों को दुबई उतरते हुए और सेट होते हुए, कामयाब होते हुए, ठीक है, ये देखेंगे। और कुछ लोग ये कहेंगे अपने हेटर्स कि भाई दुबई पहुँचे ही तो हैं, तो जनाब ये विजिट वीज़ा का खेल नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का खेल है। विजिट वीज़ा पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें लोगों के दिमाग में होती है, होगा नहीं होगा, तो भाई ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, कंपनी डायरेक्ट हायर कर रही है। अभी चलो एक लड़के को रिसीव करने जा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे, उसको पहुँचा के फिर आराम से रेस्ट करूँगा भाई। इसलिए थोड़ा सा मैसेजों का, अगर मैसेज आ जाए तो थोड़ा सब्र कर लिया करें मैसेजों का, मैसेज करके, क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ में रिप्लाई टाइम पे नहीं मिल पाएगा, तो रात को ही 9-10 बजे के बाद मैं फ्री हो पाता हूँ, तब जाके टाइम मिलता है। तो रात को रिप्लाई मिलेंगे ज़रूर दिन में, क्योंकि दिन में लगा रहूँगा रिप्लाई में तो फिर काम कैसे होगा, तो दिन में काम भी हो जाता है, रात को रिप्लाई हो जाया करेंगे। तो भाई ये आ गए हम टर्मिनल 2 पे, ये यहाँ से एंट्री, और अभी अंदर पहुँच के लड़के को रिसीव करते हैं। तो ये है ये खड़ा भाई सामने, ये खड़ा, देखा मेरी नज़रों से देखो, कैप लगा कर। So guys, ये है हमारे सुशमसर साहब, आपका बंदा रिसीव हो गया है भाई। कहाँ से हो? हाँ जी, कहाँ से हो? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? इंडिया से हम लोग हैं गोल्डन टेम्पल, सुना है कभी? नहीं। अच्छा, आप हरमंदर साहब भाई, स्टेट का नाम क्या आपके? पंजाब। पंजाब, पंजाब। हाँ शुगर आपने बता दिया, नहीं तो पता नहीं चलना था। ठीक है, तो पंजाब में कभी एक गोल्डन टेम्पल नहीं गए? भाई मैं पूरी दुनिया घूम लिया। नहीं, गोल्डन टेम्पल गए हैं ना? हाँ, तो फिर वो उधर के पास के ही हम। अच्छा जी, गोल्डन टेम्पल के पास। ठीक है, अगली बार आएंगे तो आपके घर जरूर आएंगे। कोई बात नहीं सर, वेलकम वेलकम। ठीक है, तो भाई लड़का हो गया रिसीव और वेलकम हो गया इनका दुबई में, आज पहला दिन है। अभी इनको बेड स्पेस में छोड़ेंगे क्योंकि रात हो गया है स्टार्ट, और टाइम हमें भी पूरा दिन हो गया, तो कल इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये होता भाई सारे दिन का शेड्यूल। ठीक है, अब जाके देखो सारे दिन काम करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद, अब रिप्लाई भी करने हैं, 24 घंटे की ड्यूटी चल रही होती है अपनी। तो अब जाके मैं 12:25 का टाइम है, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, अब घर जाना है, घर जाके नहा नू के फ्रेश होके, और उसके बाद फिर थोड़ी देर व्हाट्सअप भी देखना है तुम्हारे लोगों के रिप्लाई। तो भाई नाराज़ ना होया करो, प्रॉब्लम क्या है कि अब ये, इसलिए मैंने अपनी लाइफ दिखाई है आज पूरे दिन की भाग दौड़ थोड़ी बहुत, कि तुम जो लोग कहते हो ना कि भाई रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, तो भाई अगर आपको एक बार मैसेज करने के बाद रिप्लाई ना आए तो दोबारा मैसेज कर दो, दोबारा रिप्लाई नहीं आए तो दोबारा कर दे करो, भाई मैं भी इंसान ही हूँ, रोबोट तो मैं भी नहीं हूँ। तो बस यही कहूँगा कि इसी तरह प्यार मोहब्बत बरसाते रहा करें, और जो सफ़र है अपनी फैमिली का वो बढ़ता रहे, इसी तरह लोग जुड़ते रहें अपनी फैमिली के साथ, और
अपनी विजय आर्मी इसी तरह बढ़ती रहे, पूरी मार्केट में धीरे धीरे काम बढ़ता रहे। ठीक है, दुआ में याद रखें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ और किसी नए दिन और नए कैंडिडेट के साथ।